6 अप्रैल सन 1980 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, पहला स्थापना दिवस था जब पार्टी का की नींव रखी गई, और आज 6 अप्रैल 2023 43 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी का। बहुत कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को वहां से शुरू होकर और आज इस लेवल पर पहुंचाया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ये बनी है, और इस पार्टी ने इतना सफ़र जो तय किया है, समय समय पर बहुत से उतार चढ़ाव भी आए। एक समय था 1984 में मात्र 2 लोकसभा की सीटें थी, और फिर एक समय ऐसा आया कि देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके पूर्ण बहुमत की सरकार, केंद्र में भी, विभिन्न राज्यों में भी, देश के अधिकांश राज्यों में। आज मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी नीतियाँ थी, जो हमारी पॉलिसी विचारधारा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से नीचे तक ले जाने के लिए पूरा जो वातावरण बना है, वो यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, उसका ये परिणाम है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सब योजनाओं को, नीतियों को, विचारों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। खास करके अंत्योदय के भाव से गरीब जनता, जो नीडी है, ज़रूरतमंद है, जो वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जातियों के हिसाब से हो चाहे क्षेत्र के हिसाब से हो, जो पिछड़े हुए हैं, उन सबको और एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। आज मैं बहुत संतोष से कह सकता हूं कि अब जो देश के बारे में पहले कहा जाता था, किस दिशा में कब लोग भटकेंगे और कैसे देश का नुकसान कर सकेंगे, लेकिन आज देश के अंदर स्थायित्व है, देश की एकता अखंडता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और देश आगे आगे निरंतर मजबूत होता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का परिणाम। सर, आपने कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, वो हमारी बात को, उपलब्धियों को, विचारधारा को नीचे जनता तक लेके जाते हैं। जनता की जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी उनकी समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा पता होती हैं। हमने सब अधिकारियों को कहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बातें आएँ, उनको प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व करें। आखिर सामाजिक चीज़ें होती हैं, कोई बहुत व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन सामाजिक बातों में और जो एक प्रकार से आम आदमी के भले के लिए को बात है, उसको तुरंत करने के लिए अधिकारियों को और कर्मचारियों को, सबको हमने कह दिया है। और अगर इस प्रकार का कोई नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी हम ज़रूर विचार कर लेंगे कि हाँ, उनको किस प्रकार से और हमको सीधा करना है। सर, अगर आपके अनुभव की बात करें, आपने कहा कभी बीजेपी के 2 सांसद होते थे, आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। कभी आप बैठ के लेने जाते होंगे तो 5 लोग मिलते होंगे, 10 लोग मिलते होंगे। कभी सोचा था कि इतनी बड़ी पार्टी बनेगी, देश पर राज करेगी, ज़्यादातर राज्यों में राज करेगी? कोई अनुभव कुछ शेयर करना चाहिए? देखिए, मैं स्वयं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री 1994 में बना था, और 94 के अंदर पार्टी का जो उस समय स्थिति हमारी थी, बहुत सामान्य स्थिति थी। कहीं हम राजकाज में नहीं थे, कहीं हमारा बहुत बड़ा ऐसा अनुभव नहीं था। पार्टी की अपनी जो स्थितियां थी, चाहे कार्यकर्ताओं की हों, चाहे रिसोर्सेज हों, बहुत सामान्य थे। हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया, और शक्ति केंद्रों की जो आज रचना दिखाई दे रही है, वो हमने उस समय शुरू की। बूथ की कमेटियाँ बनाई, और आज तो पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुँचे हैं, यानी 60 वोट के ऊपर 15 घरों के ऊपर एक कार्यकर्ता, ये बहुत ही अच्छे प्रकार से वो काम कर रहा है। जितना विस्तार पार्टी का हुआ है, लगातार हमने मेहनत की है। वो समय ऐसा था जब हमारे कार्यकर्ता साइकिल पर चलते थे, स्कूटरों पर चलते थे, और कहीं कहीं तो बसों पर जाना, पैदल जाना, ये भी अभ्यास कार्यकर्ताओं का बहुत रहा है। मैं स्वयं बसों में 1994 में जब प्रारंभ में बसों में चलता था, इसके बाद हमको एक मोटरसाइकिल जो मिली, उस पर थोड़ा आसपास का प्रवास हमने शुरू किया। पहली गाड़ी मैंने किसी एक कार्यकर्ता के साथ और थोड़ा पैसा दे करके उससे शेयरिंग के साथ उससे खरीदी। 15 दिन वो चलाते थे, और 15 दिन मैं अपना पार्टी का काम करने के लिए जाता था। वो भी एक पुरानी गाड़ी मारुति खरीदी थी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष होते थे श्री रमेश जोशी, उस समय हमने बैंक से लोन लेकर के वो गाड़ी ली। तो ऐसी स्थितियाँ उस समय थी, लेकिन आज कार्यकर्ता, जनता सब सहयोग कर रही है। आज हमको कोई कठिनाई नहीं है, आज हमारे जिलों में कार्यालय बन गए हैं, सब जिलों में विधिवत तरीके से काम चलता है। टेक्नोलॉजी का सहारा हमने बहुत लिया है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको जनता तक पहुंचना भी चाहिए, सारा डाटा इकट्ठा रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो भरपूर हर कार्यालय में कर रहे हैं। आज ही एक दूसरा अवसर भी है, हनुमान जयंती का पर्व है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हनुमान जी भी आखिर जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं,
हनुमान जी की भी आखिर उसी प्रकार की एक दृष्टि, उसी प्रकार का, जैसे कहा जाए कि दुष्टों का नाश करने में हनुमान जी का नाम आता है। हम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कुछ करते हैं उसमें हम भी उसी काम में लगे हैं जिस काम में हनुमान जी लगे थे, इसलिए हनुमान जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चौधरी देवीलाल जी की भी पुण्यतिथि है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और हमेशा मिलने जुलने का क्रम हमारा जारी रहता है। विशेष तौर पर कई बार कार्यक्रम भी ऐसे किए जाते हैं जब ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं को हमारा मिलना जुलना बराबर रहता है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध नागरिक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, ये सब पार्टियों में बने हुए हैं और हमने तो समाज में भी जो ऐसे वरिष्ठ जन हैं, पार्टी का विषय नहीं है लेकिन समाज में वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर किसी न किसी रूप में योगदान किया है, ऐसे लोगों की संभाल करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं और इनको संभालने के लिए उनके घरों में जाने का भी हमने ड्यूटी लगाई है कि लोगों के घरों में जाके महीने में दो महीने में एक बार घर में होकर आया करें।